नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी लेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर। जिस तरह से मौसम भी अब खराब हुआ है, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश जो है ये सुबह सवेरे ही शुरू हुई है। इसी बीच भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। खराब मौसम के कारण पहलगाम से यात्रा को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बालटाल से यात्रियों का जत्था गुफा के लिए रवाना किया गया है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी पहले से ही दे दी गई थी कि 48 घंटों के तक जो है मौसम खराब हो सकता है, तेज बारिश के आसार बन रहे थे। और इसी के साथ अब जैसे ही सुबह सवेरे की बात करते हैं तो सुबह सवेरे भी इसी तरह से बारिशों का सिलसिला जो है ये जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखने को मिला। और उसके बाद जहां जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो जो रात को एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि आज जो है यात्रा पूरी तरह से रहने वाली है, लेकिन मौसम के सूरत हाल जो है वो भी देखे जाएंगे। और जैसे ही आज बारिश का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है तो उसके बाद यात्रा को जो है पहलगाम रूट से जो यात्रा है उसे रोक दिया गया है, उसे किया गया है। लेकिन बालटाल से यात्रियों का जत्था जो है आज भी गुफा के लिए रवाना किया गया है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से शुक्रवार को जो बादल फटने की वजह से जो त्रासदी अमरनाथ गुफा के पास जो है देखने को मिली थी, उसके बाद कई सारे बदलाव जो है वो भी यात्रा के लिए किए गए हैं। जहां पर इससे पहले 6 बजे तक यात्रा जो है वो वहां पर की जाती थी, 6 बजे तक की जो टाइमिंग थी वो वहां पर गुफा में जो है दर्शन करने के लिए रखी गई थी, लेकिन उसमें भी 2 घंटे का जो कमी है वो वहां पर कर दी गई, यानी कि अब यात्रियों को सिर्फ 4 बजे तक का ही वक्त जो है वो दिया गया है। इसी के साथ साथ जहां पर बेस कैंप की बात करते हैं, गुफा के पास जो टेंट वहां पर लगाए जाते थे उसे भी वहां से हटा दिया गया है। और लोगों को भी अब ये कहा जा रहा है कि जब भी आप यहां पर आए तो दर्शन करने के लिए तो आप जल्द से जल्द दर्शन करके जो है वहां से अपनी मूवमेंट कर लें। लेकिन पहलगाम से जो यात्रा को आज स्थगित किया गया है, क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह का मौसम जो है इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा, हमें बताइएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि जहां अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ यात्रा को कुछ देर के लिए जो है स्थगित किया गया है, क्या कुछ मौसम के लिहाज से भी ज्यादा जानकारी है? देखिए चेतना, मैं आपको बता दूं कि अभी अगर हम मौसम की बात करें कि बारिश हो रही है, बारिश अभी रुकी नहीं है। अगर बारिश रुक जाती है तो शायद जो यात्री रास्ते में है जिनको मुख्तलिफ जगहों पर रोका गया है उनको आगे जाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन सुबह से ही बारिश चल रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह से अगर जत्थे को आगे जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मुख्तलिफ पड़ावों पर जहाँ पर यात्रियों के लिए सुविधाएं रखी गई है, जिनमें उनके लिए बैठने के लिए टेंट जो लंगर है उन जगहों पर हमको सुरक्षित रखा गया है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यात्रा को अभी तक रोका गया है। क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग ने भी पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम जो है वो खराब होगा, बारिशें होगी, अब बारिशें कब रुकेगी वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जत्था जो है जो आज सुबह सुबह भगवती नगर से जो बालटाल और नरवल बेस कैंप से निकला है वो कुछ ही देर के बाद यहाँ पे बालटाल और पहलगाम पहुंच जाएगा। लेकिन जत्थे के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कल यात्री शाम को पहुंचे थे वो तकरीबन 3:30 बजे चंदनवाड़ी उन्होंने क्रॉस किया, तो कुछ जो श्रद्धालु थे वो चंदनवाड़ी में ही रुके। और इस तरह से अभी यात्रा को सस्पेंड किया गया है, यात्रा अभी जो है उसको रोका गया है। यात्रा को अब कब जाने की अनुमति मिलेगी वो तो मौसम पे ही अभी निर्भर है, लेकिन यात्रा अभी रुकी है, यात्रा को अभी आगे जाने से रोका गया है। चेतना जी बिल्कुल फिदा, और जिस तरह से मौसम के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है कि पहलगाम से यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन उस रूट की बात करें, उस रास्ते की बात करें, क्या कोई वहां पर उस रास्ता क्या वो खराब हुआ है, क्योंकि बारिश भी हुई है पिछले दिनों भी जब बादल फटने की घटना पेश आई थी तो 4 दिनों तक वहां पर जो यात्रा है उसे स्थगित किया गया था पहलगाम रूट से। और इसी के साथ यही कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द रास्ता जो है वो भी तैयार कर लिया जाए ताकि यात्रा पे किसी तरह की कोई बाधा जो है वो ना आ सके। देखिए रास्ते की अगर हम बात करेंगे, जहां तक रास्ता है रास्ता ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है तो ऐसे में कोई भी जोखिम उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि रास्ता अभी बिल्कुल ठीक है लेकिन बारिश हो रही है, तो बारिशों को देख के ही यात्रा को अभी रोका गया है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर मौसम में बेहतरी आती है तो उनको आगे के लिए जो है छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी उनको रोका गया है। जहां पे उनको रोका गया वहां पर उनका खाना पीना, वहां पर की अच्छी जो सुविधा है वो वहां पे मिल रही है। इस लिहाज से अब जब मौसम ठीक होगा तभी उनको आगे जाने दिया जाएगा। जी चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ साथ अब बालटाल रूट
से हवाले से जो है क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, वहां पर किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि आज यात्रियों का जत्था जो है बालटाल रूट से रवाना किया गया है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सलीम, हमें बताइएगा कि जहां पर बालटाल रूट से यात्रा को आज जो है वहां से रवाना किया गया है, मौसम के लिहाज से वहां से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखो जितना जब यहाँ से जत्था को रवाना किया गया उस टाइम मौसम अच्छा था बालटाल बेस कैंप में, और 3 से 4 हजार के करीब जो यात्रा है उसको अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किया गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो बालटाल बेस कैंप में बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन जो यात्रा ऊपर गई है उसको जो चाहे वो राडी मरग पहुंची होगी या रेल पत्री पहुंची होगी या संगम पहुंची होगी, उसको यात्रा को वहां पे अगर ऑन होल्ड 2 मिनट 10 मिनट के लिए रोका जाएगा, उसको यात्रा को रोकने का ये नहीं कहेंगे हम, लेकिन यात्रा सुबह से चल रही है और बाजाबता तौर पर किसी भी जगह पे अभी तक ये नहीं आई है कि ऑथेंटिकेशन के यात्रा को रोक दिया गया है। सुबह 3 बजे 3:30 बजे जो जत्था निकलता है 6 बजे तक बालटाल बेस कैंप से, वो उसी तरह से निकला है जिस तरह पिछले 10 दिन से निकला था, आज भी वैसे ही निकला है और अमरनाथ गुफा केव की तरफ उनको रवाना किया गया। लेकिन बालटाल बेस कैंप पे अभी हमारी बात भी हुई आधा घंटा पहले, वहां पे बारिश तो हो रही है लेकिन यात्रा का ये नहीं है कि 10:30 11 बजे यात्रा निकलेगी, यात्रा वही निकलती है जो 3:30 बजे से लेकर 8:30 तक निकलती है, वो तो निकल गई है। और अमरनाथ के जो ट्रैक है उनको बेशतर मुकाम पे जहाँ पे प्रशासन को ये लगता है कि इनको रोकना है वहां पे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा कंटिन्यूअस इस टाइम चल रही है। जी चलिए सलीम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बना हुआ है अमरनाथ यात्रा को लेकर, उसकी जानकारी दी गई है। और इसी के साथ साथ जहां पर पूरी तरह से नजर भी जो है वो वहां पर बनाई हुई है ताकि मौसम की वजह से किसी भी तरह से यात्रा पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, जो यात्री वहां पर जा रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। आपको बता दें कि जिला कठुआ में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नशा तस्करी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी लेकिन नशा तस्करी के एक प्रयास को विफल कर दिया गया है। पुलिस ने 573 किलो भुक्की को बरामद किया है, टैंकर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्योंकि अगर जिला कठुआ की बात करते हैं तो लगातार हर तीसरे दिन जो है इस तरह से नशा तस्करी की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, लेकिन कठुआ पुलिस जो है वो भी लगातार तैनात है और कोशिश यही की जाती है कि कोई भी गाड़ियां जब वहां से जा रही हैं उनकी चेकिंग जो है जगह जगह नाके लगाकर भी की जाती है, और अगर कोई भी ऐसी भनक लगती है कि किसी भी गाड़ी में या कोई भी तस्कर इस तरह से जा रहा है तो उस पर पूरी तरह से नजर जो है वो भी रखी जाती है। और इसी के मद्देनजर ये बड़ी सफलता जो है यहाँ पर कठुआ पुलिस को हाथ लगी, जहां नशा तस्करी के एक प्रयास को जो है कठुआ पुलिस ने विफल किया है। 573 किलो भुक्की जो है वो बरामद कर ली गई है, लेकिन जो तस्कर था जिस गाड़ी में ये भुक्की भरकर लेकर जाई जा रही थी उस चालक को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे आगे की पूछताछ जो है वो भी की जा रही है कि आखिर ये जो शख्स है ये कहां से जो है ये जो भुक्की है इसने ये लोड की थी, आखिर कहां तक पहुंचाने का इसका मकसद था, क्या कुछ इस पर जो है ज्यादा जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन नशा तस्करी की वारदातें जो है ये लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जहां पशु तस्करों की भी बात करते हैं तो वो भी अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और नशा तस्करी को भी इसी तरह से अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को भी इस नशे की जो लत में जो है धकेलने की कोशिश ये तमाम जो लोग हैं ये कर रहे हैं, और इस तरह की जब भी कोई भनक पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी कोशिश करती है कि इस तरह के लोगों को जो है पकड़ा जाए और पूरी तरह से छानबीन जो है की जाती है। और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि जो भी ये एक तरह से जो वेब बनाया जाता है कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हैं, किस किस लोगों की किन किन लोगों की मिलीभगत जो है इस तरह की वारदातों में जो है देखने को मिलती है, उन तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी इस तरह के तस्कर गिरफ्तार किए जाते हैं तो इनसे भी ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये जो चंगुल एक तरह से बनता है ये कहाँ तक फैला हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ कहाँ से कोशिश होती है कि इस तरह की नशा तस्करी की वारदातों को जो है अंजाम दिया जाता है। और इसी के साथ जहाँ पड़ोसी मुल्क की भी बात करें तो वहां से भी कई बार ऐसी जो चीजें हैं वो भी निकल कर सामने आती हैं कि वहां से भी इस ओर नशा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाती है ताकि युवाओं को जो है इसमें धकेला जा सके, इस दलदल में धकेला जा सके
और कहीं ना कहीं जहां पर समाज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब नशे की लत में जो है डूबते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी एक तरह से इन्हें जो है समझाने के लिए भी पूरी तरह से कोशिशें की जाती हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नशा तस्कर जो हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं और अलग अलग तरह के तौर तरीके अपनाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। और वहीं पर जहां आज भी सुबह सवेरे कठुआ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, 573 किलो भुक्की बरामद की गई है, बड़ी मात्रा में ये भुक्की बरामद हुई है और इसके बाद जो टैंकर चालक था उसे भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे भी आगे की तहकीकात जो है वो चल रही है, पूछताछ जो है वो की जा रही है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये भुक्की जो है कहां से लोड हुई है, कहां तक जाने का मकसद था और क्या कुछ इस पूरे मामले के पीछे और कितने लोग थे, कहां कहां से लोग जो है इस पूरे जो है इंसिडेंट के पीछे छिपे हुए हैं, किन किन का हाथ है, उन पर भी नजर जो है वो रखी जा रही है। लेकिन अब इसी पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है वो जानकारी लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसके बाद क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। तो रंजीव हमें बताइएगा कि जिस तरह से कठुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 573 किलो भुक्की बरामद की गई है और उस चालक को, उस तस्कर को भी पकड़ लिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस लिहाज से? एक ट्रक कश्मीर की तरफ से आ रहा था और टूवर्ड्स पंजाब की तरफ जा रहा था जी। तो इसी दौरान पुलिस को, राजबाग पुलिस को एक पुख्ता सूचना के आधार पर उन्होंने अपने थाने के बाहर जो नाका लगा हुआ है उस नाके के ऊपर इसको रोक लिया जी। रोकने के बाद इसमें से जब तलाशी ली तो तलाशी के दौरान इसमें से 573 किलो भुक्की के कोई 47 कट्टे जो है वो बरामद किए गए, 46 कट्टे के करीब। तो उसके संबंध में एक जो ड्राइवर है मोहम्मद शौकत निवासी है, वो बठिंडी जम्मू का रहने वाला है, शंकर नगर का, उसको गिरफ्तार कर लिया जी। तो ये इसमें पुलिस ने हमें ये बताया कि ये टैंकर जो है ये खाली टैंकर था, ये कैरोसिन ऑयल जो इसपे लिखा हुआ है ये इंडियन ऑयल का टैंकर था और ये कैरोसिन ऑयल ढोने के काम आता है जी। ये अनु शर्मा एंड फंड्स कंपनी के नाम का ये टैंकर है, ये जो कश्मीर से ये खाली ये भुक्की की खेप लेकर पंजाब की तरफ जा रहा था जी। बिल्कुल रंजीव, और जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, हो सकता है कि अब ज्यादा खुलासे जो है इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये नशा तस्करी की वारदात को जो है अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन कठुआ पुलिस ने इसे विफल कर दिया है और इसी के साथ साथ अब उस शख्स से भी पूछताछ हो रही है और पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी ये देखना होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर जम्मू के कानाचक इलाके से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक आईडी बरामद की गई है। कानाचक के मालपुर में सड़क में एक आईडी का सिलेंडर बरामद हुआ है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। आईडी सिलेंडर मिलने से मालपुर चंदिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां जम्मू के कानाचक के मालपुर इलाके में सड़क से एक आईडी का सिलेंडर बरामद किया गया है। पुलिस और इसी के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और मौके पर पहुंचकर आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लेकिन आसपास के लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हड़कंप वहां पर मचा हुआ है, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। मेरा नाम बलवान चंद है, मैं खुद ड्राइवर हूँ। सुबह का रोक के हमने रखा हुआ है, हम जा रहे थे कहाँ पे लेकिन नहीं जाने दिया। इधर पुलिस वाले और आर्मी वाले खड़े थे पहले ही,
तो जब मैं इधर पहुंचा तो बोल रहे थे कुछ को नहीं जाने देंगे। क्या कुछ रखा गया था जहाँ कुछ मिला यहाँ पे? उन्होंने देखी होगी चीज, इसलिए सभी को रोका हुआ। तो अभी क्या हुआ है? अभी तो ब्लास्ट से पूरा धुआं निकला है, तो अभी तक इधर ही खड़े हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहना है कि किस तरह से सड़क से एक आईडी का सिलेंडर जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अनिल, हमें बताइएगा कि जिस तरह से काना चक के मालपुर इलाके में ये आईडी का सिलेंडर बरामद हुआ है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस हवाले से? निश्चित तौर पर आपको बताते चले कि लगभग सुबह सवेरे का अगर जिक्र करते हैं तो इस आईईडी को जो है आईईडी का सिलेंडर का अगर जिक्र करें तो पूरी तरह से सुरक्षा बलों का अगर जिक्र करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया था और एक सूचना मिलने पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके आधार पर जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और उसके बाद ही बॉम्ब स्क्वाड दस्ते को वहां पर बुलाया जाता है और डॉग स्क्वाड के दस्ते को भी वहां पर बुलाया जाता है। और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो इस आईईडी को जो है सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है और पाकिस्तान की लगातार नापाक कोशिश को जो है वो लगातार विफल कर रहे हैं हमारे सुरक्षाकर्मी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जारी है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि इन जैसी यात्राओं में जो है वो खलल डाली जाए। और पहले दिन से आप देख रहे हैं कि काना चक के इलाके में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले संदिग्ध ड्रोन के द्वारा तीन टिफिन बॉक्स में आपने आईडीज देखी होंगी और उसको लगातार इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से कि ड्रोन के जरिए खेप भेजी जाए फिर या इस तरह के हथियार भेजे जाए। तो आज एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक कोशिश को जो है लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने विफल किया है और कुछ देर पहले इस आईईडी को जो है डिफ्यूज किया गया है और भारतीय सेना हो, बीएसएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया था। किसी भी घर से व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और अभी का अगर जिक्र करते हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि लगातार मूसलाधार बारिश है और इस मूसलाधार बारिश के बीच में भी इस सर्च ऑपरेशन को जो है वो जारी रखा गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिश कर रहा है और एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग और ये राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक इस तरह की संदिग्ध वस्तु का मिलना और उसके बाद पूरे सर्च ऑपरेशन को चलाना काबिले तारीफ है। और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार टीम हमारी वहां पर बनी हुई थी और हम लगातार सुबह से इस कवरेज पर बने हुए थे और कई सारी इसको लेकर अफवाहें भी बनाई जा रही थी। तो लगातार अब इस आईईडी को जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया है और हमारे सेना जो है वो लगातार पाकिस्तान की नापाक कोशिश को लगातार विफल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जम्मू के काना चौक इलाके में ये आईडी का सिलेंडर बरामद हुआ है, वहां पर इस आईडी को जो है डिफ्यूज भी कर दिया गया है, लेकिन इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई और संदिग्ध गतिविधि उस इलाके में तो नहीं हो रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों का सिलसिला बना हुआ है, इस बीच लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इस बारिशों के सीजन में जेएमसी के दावों की पोल जो है वो भी खुलती हुई नजर आ रही है। जम्मू के विभिन्न हिस्सों में बारिश का पानी घुस चुका है, शहर की गलियों ने तालाबों का रूप धारण कर लिया है। जगह जगह जहां पर सड़कों की बात करें तो खस्ता हालत देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें जो है वो अब नदी नालों में तब्दील हो रही है और जिस वजह से जो भी राहगीर है, जो भी लोग हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर भारी जाम जो है वो भी लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां तक नहीं निकाल पा रहे हैं। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर यहां पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल यहां पर जो खुल रही है, जब भी हर साल मानसून का सीजन आता है, जब भी बारिशों का सीजन शुरू होता है, उसी वक्त इस तरह के सूरत हाल जो है ये जम्मू में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जहां पर लोगों के घरों की बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि लोगों के घरों तक पानी जो है ये घुस रहा है। जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, वहां तक ये पानी घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सबब जो है वो भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या जेएमसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पर सामने आ रही है, क्योंकि बारिशें शुरू हुए अब काफी वक्त हो चुका है और आए दिन इस तरह की हालत जो है ये देखने को मिल रही है और परेशानी का सबब सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगत रही है, क्या कुछ इसी पर ज्यादा जानकारी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई है। रितिका, हमें बताइएगा कि जैसे ही मानसून की दस्तक जम्मू में आती है उसके बाद इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तस्वीरों में इस वक्त भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया है, उसकी पोल टूट गई है। दिखता है कि मार्च में एक्चुअल में इस मार्च में बारिश होने से भारी बारिश हो जाती है। गलियों में नदी नालों में हो जाती है, इससे
मेन बाजार जो की स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, उसके अलावा जो यहाँ के मेन चौक जम्मू के जितने भी हैं, हर एक जगह पे पानी के चलते इतना ज्यादा जमावड़ा हो चुका है पानी का की जाम जो है वो यहाँ पे लगातार गाड़ियों के हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घुटने घुटने तक पानी जो है वो सड़कों में भरा हुआ है, उतना दुकानें खोल पा रही है, अपने काम भी नहीं जा पा रही। बिल्कुल रितिका, और जिस तरह से जो पॉश एरियाज हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया गांधीनगर इलाके की बात करें, ये सब सिटी एरियाज हैं, पॉश एरियाज हैं, यहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत देखने को मिल रही है और जेएमसी अभी भी कोई भी जो है किसी भी तरह से अपना कोई स्टेटमेंट जो है इस पर नहीं दे रहा है। जी आपको बता दूं कि जेएमसी की कार्रवाई वो भी नींद में से उठाने का कार्य जो है इस वक्त भी आप देख सकते हैं गाड़ियों के पास मेन हो रहा है, यहाँ पे पूरा रोड पानी से भरा हुआ है और अब जाके जेएमसी की गाड़ियाँ यहाँ पे देखी गई है और ये गाड़िया रोड जो ब्लॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे उन्हें साफ करने का काम चल रहा है, यानी कि बारिश में आके इन्हें पता चल रहा है कि रोड को साफ भी करना है और यहाँ पे गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था भी पूरे तरीके से जो है वो मैनेज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं कि किस तरह के सूरतेहाल जो है वो इस वक्त जम्मू सिटी के बने हुए हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भी आम जनता सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से मौसम में तब्दीली हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को किस तरह की परेशानी जो है भुगतनी पड़ रही है वो आप तस्वीरों के जरिए से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं जिला सांबा की ओर। जिला सांबा में सफाई कर्मचारी भी अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी अब सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। एसआरओ 132 का सफाई कर्मियों ने एक बार फिर विरोध किया है। जिला सांबा में सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी तरह से सफाई कर्मियों की जहां बात करी तो इससे पहले भी एसआरओ 132 को लेकर उनकी जो मांगे थी उसके खिलाफ इन्होंने पहले से भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन जब सरकार ने उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई भी चर्चा जो है उस पर नहीं की, तो एक बार फिर सफाई कर्मी जो है ये अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो भी यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। एसआरओ 132 का सफाई कर्मियों ने एक बार फिर जो है विरोध किया है और जिला सांबा में जिस तरह से सफाई कर्मी एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम सफाई कर्मी जो है आज खराब मौसम के बावजूद भी सड़कों पर उतरे हैं और वहां पर लगातार सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है और मांग यही है कि जो एसआरओ 132 के तहत जो भी बदलाव जो किए गए थे उसे जो है कहीं ना कहीं अब सही किया जाए, उसे हटाया जाए। लेकिन क्या कुछ अब इसी पर ज्यादा जानकारी है, क्या कोई सरकार की तरफ से अब आने वाले दिनों में इस पर कोई संज्ञान लिया जाता है, क्या सफाई कर्मचारियों की भी कोई बात यहाँ पर सुनी जाती है, इस पर भी अभी तक एक तरह से जो सवाल है ये बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो है इससे पहले भी कई बार इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और उनकी जो मांग रही है वो आज भी उसी मांग पर डटे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब भी इनकी कोई डिमांड होती है ये इसी तरह से प्रदर्शन जरूर करते हैं लेकिन सरकार जो है इन्हें हर बार नजरअंदाज कर देती है। लेकिन अब इसी पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि सफाई कर्मी जो है वो भी अब जिला सांबा में अपना रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, क्या कुछ कहना है इनका? देखिए, जितना आपको बता दें कि जिस तरह से जिला सांबा की बात करते हैं या फिर ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो तमाम सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं और इस बार कारण यह है कि जिस तरह से एक नया एसआरओ 132 निकाला गया जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अनिवार्य कर दिया गया है सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें 8वीं पास मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 12th पास होना चाहिए, जिसको लेकर ये विरोध जताया जा रहा है और तमाम सफाई कर्मचारी को ये कहना है कि क्या हम अब ये काम छोड़कर पढ़ाई कर लें या ये काम कर ले, क्योंकि अगर हम पढ़े होते तो हम ये झाड़ू ना लगा रहे होते, ये गंदगी ये कूड़ा ना उठा रहे होते, हम एक अच्छी जगह पर होते। लेकिन अब इस तरह से ये जो एसआरओ 132 निकाला गया है ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये उनके विरोध में है और हम इसे नकारते हैं सिरे से, जिसको लेकर ये भी कहा गया है कि जब बात एसआरओ
64 की जा रही थी कि तमाम जो सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, इनको पक्का किया जाए, जिसको लेकर तमाम अगर अलग अलग विभागों के डेली वेजर्स की बात करते हैं तो वो लगातार सड़कों पर है, ये परमानेंट पॉलिसी मांग रहे हैं। तो SRO 64 के तहत जो वो इनको परमानेंट किया जाना था लेकिन अभी तक नहीं किया जा रहा। SRO 43 की बात करते हैं तो उनके भी कुछ पेंडिंग केसेस है जो अभी तक वो निपटा रहा, उनका भी नहीं हो पा रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की बात करते हैं तो ये उनकी मुसीबतों में और ज्यादा जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इसे जो वो नकारा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में शहरों की तमाम अलग अलग इलाकों की व्यवस्था जो वो सफाई के मद्देनजर चरमरा जाएगी अगर प्रशासन ने इस SRO 132 को कैंसिल नहीं किया, जो साफ तौर बताया जा रहा है कि ये हमारे विरोध में है। और अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम अच्छी जगह होते, लेकिन अब क्या करें हम, क्या अब हम झाड़ू छोड़कर पढ़ने के लिए चले जाएं? या उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो देश इस समय 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है तो इसमें तमाम जो सफाई कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दिए गए थे उन सर्टिफिकेट्स को वापस ले लिया जाए और हमें 8वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट जो उनके हाथ में थमा दिया जाए, तो फिर मानेंगे कि वाकई में प्रशासन हमारे हित के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक भी शब्द इस्तेमाल कर दिए कि हमें प्रशासन फेक सर्टिफिकेट जो बना कर रहे थे। हमने इसको लेकर उनसे सवाल किया कि कोई सरकारें ऐसी नहीं होती कि जो फेक सर्टिफिकेट आपके हाथ में थमा देगी। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे विरोध में है, ये अब कोई ऐसा वक्त नहीं कि हम 8वीं और 10वीं या 12वीं करके आएंगे और अपनी इसमें नौकरियां जो वो हासिल करेंगे, जो तमाम उनकी जो वहां लोग काम कर रहे हैं, तमाम सफाई कर्मचारी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके ये पूरी तरह से खिलाफ है। तो इस SRO 132 को कैंसिल किया जाए और जो SRO 64 को लेकर परमानेंट पॉलिसी मांगी जा रही है वो परमानेंट पॉलिसी जो वो इंप्लीमेंट की जाए, जिसको लेकर प्रदर्शन अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के खिलाफ किया गया है और चेताया गया है कि अगर इसके लेकर काम नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों की म्युनिसिपल काउंसिल हो, कमेटीज हो, तमाम उनके अधीन काम करने वाले ये सफाई कर्मचारी आज सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि क्या सरकार SRO 132 में कोई बदलाव लेकर आती है या नहीं। चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जिला सांबा में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, SRO 132 को लेकर यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब क्या कुछ जो तब्दीलियां हैं वो इस SRO 132 को लेकर आने वाले समय में देखने को मिलती है, ये देखना होगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।